अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर बकवासियत के साथ हाजिर। असल में मोटा ये था कि पाक भारत डाकरे पर बनाते हैं, लेकिन बारिश का बन गया बहाना और मैच मुकम्मल ना होता था और हमारी बकवासियत हमारे दिल में ही रह गई। फिर मेरे जज्बात का कत्ल हुआ है। नहीं रह गए। फिर सोचा चलो इंशाल्लाह फाइनल पर बना लेंगे और चुप होकर बैठ गए। मगर क्या करें, अपने पड़ोस के बकवासियों की बकवास सुन सुन के हमें भी मैदान में आना पड़ा और बकवास से बकवास का सिलसिला जारी रखना पड़ा, क्योंकि हम तो ही बकवासी और हम करते हैं बकवासियात। शुक्रगुजार होना चाहिए हमने फाइनेंसर का, जिन्होंने मैच ही मारा था जहाँ पानी ज्यादा था और जहाँ बारिश होनी थी, जहाँ वेदर फोरकास्ट वाले पूरे सीजन में बारिश की प्रेडिक्शन कर करके थक गए। आपके फाइनेंसर ने आपको बचा लिया, आपके शुक्र का वक्त है, कोई भरम की बात नहीं है। आप वही मुर्गी की एक टांग अलाप रहे, बारिश ने आप लोगों को बचा लिया। भाई जाके दूध चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, मगर चीरी के आपकी इज्जत बच गई है। यहाँ के सिर्फ तीन मतलब के हारिस, शाहीन और नसीम शाह ने आपके 10 के 10 को उड़ा दिया। यह मैच के बाद पड़े हुए थे स्टेडियम के लोगों ने क्या कहा था, बोल रहे हारिस नसीम और तीसरा कौन था, शाहीन ने उड़ा के फेंक गए बाहर। और शर्म करो, वो हमारे यहाँ का मशहूर कॉल है ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। और शुक्र अदा करूँ कि हमारे बैटर नहीं आए, वरना पहले तो सिर्फ तीन ने और फिर बैटिंग पे तो सिर्फ हमारे 4-5 जो है, बाबर, रिजवान, फखर और हमारे चचा इफ्तिखार। आपके क्या दुराई गए थे। ओहो, मुझे सुनकर ही मजा आ गया, सनसनी दौड़ने लगी आपकी तो काम पे डांग जाती। सबर करो, ठहरो जरा, हमारी बारी तो आने दो। ये तो वही बात हो गई, अकेले 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 ट्रैक पे भागे और आधे में ढेर हो गए, अपनी जीत के शादियाने बजाने लगे। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है। खेल है, खेल में हार जीत होते रहती है, लेकिन हार जीत का फैसला तो खेल के अख्ताम पर होता है ना। तो खेल एंड हुआ ही नहीं और आप जीतने के, हमने भी देखा था कि दिवाली पटाखों के एड्स को बर्दाश्त किया। अब हमारी बारी, अब आप बर्दाश्त करो। हाय हाय, इतना सुकून। और हकीकत को समझो भाई, समझ रहे हो? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? हमारे आर्य नाम है, यही हकीकत। और हाँ, ये हरकतें छोड़ दो, थोड़ी मैनर्स सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई। वही हमारी नानी माँ की मिसालें याद आ रही है, वैसे तो बहुत सारी, लेकिन यहाँ पर एक ही आपके ऊपर बैठ रही है, वही वाली। हाँ, वही वाली, बगैर की बरा दूर, मारे जूती आवे नूर, मारे जूती आवे नूर। बेटा जी कंट्रोल, बेबी कंट्रोल, जस्ट वेट एंड सी। कंट्रोल कंट्रोल। हाँ, एक एडवाइस आपके लिए है, इसको बकवास नहीं समझना, इट इज वेरी सीरियस, वेरी। ये वक्त खुशियां मनाने का नहीं, इज्जत बचने पे शुक्र अदा करने का टाइम है, सोचने और प्रार्थना करने का टाइम है। अपनी सोच को बड़ा करो, दूध भी पी लिया करो कभी, ताकत समझ मैच्योरिटी आती है, हानिकारक बिल्कुल नहीं होता। चले फिर मिलते हैं। हाँ, वो तो भूल गए क्या, 1 घंटे पहले न्यूज आई। क्या न्यूज आई? उनके फाइनेंसर ने फिर से वेन्यू चेंज कर दिया, फिर से बारिश का बहाना, लेकिन इस बार आपको बारिश भी ना बचा पाएगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान वाले आपको ऐसा घुमा के उड़ाएंगे ना, फिर सुधरोगे, फिर आ जाएगी थोड़ी शर्म, फिर हार जीत का फैसला भी हो जाएगा और फिर गंदा अपने कमेंट्स पास। अच्छा, तो ये है कि हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और अगर आप पाकिस्तानी और आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं भी आई हो ना, और पाकिस्तानी, तब भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वरना समझेंगे आप इंडिया वाले, समझ लो। फिर इतना शेयर करो कि इंडिया वालों तक हमारी आवाज पहुंचे। अच्छा, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करनी, क्योंकि आगे भी तो आपको हमारी ऐसी ऐसी बकवास सुनते रहनी है। अल्लाह हाफिज़।